वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। नेम ऑफ द टॉपिक इज थ्री क्वेश्चंस। थ्री क्वेश्चंस, ओके। बिफोर गो टू द टॉपिक वी विल डिस्कस सम इम्पोर्ट डिफिकल्ट वर्ड्स, देन वी विल डिस्कस होल टॉपिक। मैसेंजर्स means herald, throw out means over or throw every part of, kingdom means empire, foolish, silly or senseless, council, councils means board or body, look into, it is necessary to look into the future in order to decide the right time to for doing something, magician, magicians means जादूगर, हिंदी में हम उसको क्या कहते हैं, जादूगर कहते हैं, priest means worshipper, पुजारी, hermit, anchorite, the king went to the hermit to something, when to give something, wound means injury, heavily, hardly, spared, oh, turn round मतलब घूम जाना, press, push और cross, feel better अच्छा महसूस करना, awake मीन्स गेट अप उठ जाना, swear मीन्स शपथ लेना, टेक एन ओथ, revenge मीन्स प्रतिशोध लेना, look around चारों तरफ देखना, look around leaving the wounded man, the king went out for of the hut and looked around the hermit, look around means चारों तरफ देखना। लेट्स डिस्कस द टॉपिक लाइन बाय लाइन थोरली। ए किंग हैज थ्री क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। देयर वाज ए किंग who wants to know answer of three questions, like what are the questions, does the king get wants to what he wants, what are the questions, wo kaun sa question hai, does the king get what he wants, kya wo raja ko sare question, raja ko jo zarurat tha kya mil gaya usko, देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री क्वेश्चंस। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, सर्टेन किंग मीन्स अननोन किंग, ए पर्टिकुलर किंग, हियर द नेम ऑफ द किंग इज नॉट मेंशन्ड, दैट्स व्हाई दिस सर्टेन वर्ड इज केम हियर। ए थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, एक राजा था जिसका यहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया गया है, जिसके मन में एक सवाल आया कि दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री क्वेश्चंस, अगर वो तीनों क्वेश्चन का जवाब उसको मिल जाएगा तो फिर वो कभी भी क्या नहीं होगा, कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी फेलियर नहीं होगा। व्हाट आर दोज, दी थ्री क्वेश्चंस वेयर, वो तीन क्वेश्चन थे क्या क्या, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, हुज पीपल शुड ही लिसन टू, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। टू नो ऑल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, थ्रू आउट
every part, throughout means every part of the kingdom. To know the answer of these questions, he sent his messengers, his bodyguards, he sent his workers, he sent his messengers to throughout his kingdom. Promising a large sum of money to anyone who would never answer these three questions, he promised that if anyone gave all answer of these questions, then he will be awarded a large sum of money. To know about the award, many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. जब उस लोगों को पता चला, वो wise men मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान लोग, पंडित लोग को जैसे पता चला, वो बहुत सारे वहाँ पे पंडित लोग आए वो आंसर का जवाब दे, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, लेकिन जितने सारे आए थे उन सबका जवाब क्या हुआ, डिफरेंट हुआ. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल. वो जो रिप्लाई दिए, जो जवाब दिए, कुछ बोले, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल. राजा को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. एक टाइम टेबल बना के वो टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो अगर करेगा तो फिर उसके लिए अच्छा होगा. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. और कुछ लोग बोले कि अगर वो टाइम टेबल बना लेगा कि ये सही होगा, कि वो एडवांस अगर टाइम टेबल बनाएगा कि वो डिसाइड कर पाएगा इन फ्यूचर, मतलब क्या ये इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मतलब डिसाइड इन एडवांस राइट टाइम टू डूइंग समथिंग, एक काम करने के लिए टाइम टेबल बनाना ये क्या है, इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है, असंभव है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन. राजा को क्या करना चाहिए, उसके आसपास उस टाइम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, फुलिश, ही शुड अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. वो क्या है, मतलब ही शुड अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड ही शुड अटेंशन टू नेसेसरी. वो ध्यान देना चाहिए कि उस वक्त में कौन सी काम उसके लिए जरूरी है उसमें ध्यान देना चाहिए. येट अदर सेड दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन who would help him act at the proper time. Some wise men said that a king should have a wise man or a council of wise men, a group, council of the group of wise men who will decide which is the right time, which about all those three things they should decide all about the times and time and table, then they will say to the king what to do or what to not do. This was because one man would find it impossible to decide correctly. इसलिए एक मतलब काउंसिल की जरूरत होगा क्योंकि एक सही टाइम में सही डिसीजन लेना अकेले को भी एक मतलब सही डिसीजन नहीं ले पाएगा. अगर उसके पास वाइज मैन होंगे, ज्ञानी पुरुष होंगे, उसको बताने के लिए काउंसिल होगा तो फिर वो बता पाएंगे. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. बट देन अदर सेड दैट देर वेर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और
कुछ लोग बोले अगर वो टाइम टेबल बना ले ऐसे कुछ अर्जेंट काम ऐसे कुछ अर्जेंट वक्त होता है जिसमें कि डिसीजन लेने के लिए वक्त नहीं होता, वो सिचुएशन के हिसाब से क्या मतलब स्टेप लेना पड़ता है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम्स फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। उसी समय कौन मतलब ये राइट है कि रॉन्ग है वो डिसीजन लेने के बजाय वो क्या ध्यान में रखना चाहिए, फ्यूचर, लुक इन टू द फ्यूचर, फ्यूचर को देख के वो काम करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और वो कौन कर सकता है, मैजिशियन, जादूगर ही कर सकता है। इसलिए किंग को किसके पास जाना चाहिए, एक जादूगर के पास जाना चाहिए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। इसलिए किंग अगर कोई जादूगर के पास जाएगा तो फिर वो ही बता पाएगा ऐसे कुछ, मतलब जो सलाह देने के लिए वाइज पीपल आए थे वो सारे ऐसे बताए। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चंस, सेकेंड क्वेश्चन के लिए वो क्या आंसर दिए देखते हैं। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हीज काउंसिलर। राजा को काउंसिलर की बहुत ज़रूरत होता है, मतलब राजा के पास हर वक्त काउंसिलर्स रहना चाहिए। कुछ बोले अदर सेड द प्रिस्ट्स, और कुछ बोले कि उसके पास कौन रहना चाहिए, प्रिस्ट की ज़रूरत होता है, पुजारी। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर एंड एट अदर सेड दैट ही सोल्जर्स वेर द मोस्ट नेसेसरी। सम सेड काउंसिलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, सम सेड प्रीस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, सम सेड डॉक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड सम वाइज मैन सेड सोल्जर्स वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ हिज सेकेंड क्वेश्चन। एंड टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। फॉर थर्ड क्वेश्चन द आंसर सम सेड दैट साइंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सम चूज फाइटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सम चूज दैट रिलीजियस वर्शिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस वेर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड। जो जितने सारे लोग आए थे, वाइज पीपल आए थे, सबका आंसर हर एक क्वेश्चन का अलग अलग हुआ, इसलिए राजा संतुष्ट नहीं हुए उन लोगों की आंसर में। और जो चूंकि वो सेटिस्फाई नहीं हुए उनको कोई भी अवार्ड नहीं मिला। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट ही वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। राजा सोचने लगे वो एक हर्मिट के पास जाएगा, एक सन्यासी के पास जाएगा जो कि फेमस होगा, ज्ञानी पुरुष होगा, उसके पास जाएगा और उससे क्या लेगा, एडवाइस लेगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड व्हिच ही नेवर लेफ्ट। वो हर्मिट एक हट में रहता था जहाँ वो कभी भी उस हट से कहीं वो नहीं गया था, वहाँ पे ही वो रहता था। ही वॉज नो वन बट सिंपल पीपल, ही सो नो वन, ही मेट नो वन। वो किसी को भी किसी के साथ भी नहीं मिलता था, सिर्फ वो जो सिंपल लोग होते थे, आम लोग होते थे, उन लोगों के साथ ही वो मिलता था और बाकी लोगों के साथ कभी भी वो नहीं मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथेस बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। इसलिए राजा क्या किया, अपना जो क्लोथ था वो निकाल के नॉर्मल जैसे आम आदमी लोगों की ड्रेस पे कपड़ा पहन के वो हर्मिट की हट की तरफ जाने लगा। अपने बॉडीगार्ड के पास सारे कपड़ा हॉर्स दे के रख के वो किसके पास जाने लगा, हर्मिट के पास जाने लगा। आज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हर्मिट राजा देखे
कि जब वो राजा हर्मिट के पास पहुँचे, हर्मिट के हट के पास पहुँचे, वो हर्मिट खोद रहा था, उसकी जमीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड सिक, ओल्ड एंड वीक। जब राजा को हर्मिट देखे, राजा को क्या किए, विश किए, ग्रीट किए, वेलकम किए, एंड वो फिर से खोदने लगे। हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट देखने में ओल्ड थे, बूढ़े थे और कमजोर थे, कमजोर दिख रहे थे। एंड आज ही वॉक्ड, ही ब्रेथ हैवीली। जो कि वो जोर जोर से काम कर रहा था, उसी वक्त वो हैवीली सांस लेता है, ब्रेथ हैवीली। द किंग वेंट ऑफ टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस। ओ राजा हर्मिट के पास जाके वो बोलने लगे कि हे ज्ञानी पुरुष, मैं आपके पास आया हूँ, इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को तीन सवाल के आंसर चाहिए। मेरे को ये तीन सवाल मेरे पास है, जिसका आंसर कोई भी मेरे को नहीं बता रहे हैं, उस आंसर पाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। फर्स्ट का आंसर क्या है, मैं कैसे सीख जाऊँ कि सही टाइम पे सही काम करने, मतलब कौन सी काम से, कौन सी सही टाइम है, कौन सी से सही काम, मैं वो कैसे मतलब मैं सीख जाऊँ, वो पता मेरे को नहीं चल रहा है। और सेकंड, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन लोग है जो मेरे लिए जरूरतमंद है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अफेयर्स मीन्स वर्क, कौन से ऐसे काम है जो कि मेरे लिए महत्वपूर्ण है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। जो हर्मिट था वो राजा की सारी बातें सुनने के बाद भी वो कुछ नहीं बोले। वे ही वेंट ऑन डिगिंग, वो खोदते रहे। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। फिर राजा देखे कि वो हर्मिट बहुत थक चुके थे, बोले तुम बहुत थक गए हो, मेरे को ये स्पेड दे दो, मैं क्या करूँगा, मैं काम करूँगा, आप जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। थैंक्स, सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट राजा को धन्यवाद बोलते हुए अपना जो स्पेड था वो दे दिए और नीचे जाके बैठ गए। When the king had dug two beds, he stopped and repeated his questions. After digging two beds, king stopped the digging and repeated his questions to hermit. The hermit gave two answers, gave no answers, but stood up. Stretching out his hand for the spade, he said, "Now you rest and let me work." The hermit did not answer anything and spread and said, stretching his hands towards the king and said that, "Now you take rest, give me the spade, I will work, let me work." But the king did not give him the spade and continued to dig. But the king did not give thus we are to the hermit and he continued to dig. One hour passed, then another. The sun went down behind the trees. एक घंटा चला गया, दो घंटा चला गया, और सूर्य जो सन था वो पेड़ के पीछे चला गया, इसका मतलब शाम होने लगा। And at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me
so and I will return home. राजा दो टू आवर थ्री आवर के बाद गुस्सा हो गए और जो स्पेड था उसको फेंक दिया और बोलने लगे हर्मिट को, हे वाइज मैन, आई केम टू यू ओनली टू नो आंसर्स ऑफ दिज थ्री क्वेश्चंस. इफ यू कैंट आंसर देन टेल मी, आई विल रिटर्न टू होम. अगर तुम ये सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे, अगर तुम्हें नहीं पता, तो फिर तुम क्या करो, मेरे को बोल दो, मैं क्या करूँगा, मैं घर चला जाऊँगा, बहुत शाम हो चुका है. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट, बट इंस्टेड गिविंग द आंसर ऑफ द आंसर टू द किंग, हर्मिट सेड, लुक हियर, समवन इज रनिंग टुवर्ड्स अस. This is all about first part. In next class, we'll discuss more about this topic. Thank you.